अस्सलाम वालेकुम। I start by saying thank you to the teachers, heads, principals, directors, because you are here for this important workshop. And I pray to Allah that after some time, when we will finish this session, this workshop, and you will leave to your homes with some understanding, some better understanding about the important subjects. मेरा जो आज का टॉपिक जो मुझे दिया गया है वो है ECE. ECE पे मैंने बात करनी है और मेरा ख्याल है कि क्योंकि आप सबका ताल्लुक जो है वो टीचिंग से है तो आप जानते होंगे ECE क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन में. ECE stands for Early Childhood Education. Early Childhood Education. बच्चे के पहले जो 6 साल हैं, इसी को ECE का नाम दिया गया है. यानी ECE Early Childhood Education 3 to 6 एज तक की जो एजुकेशन है इसे Early Childhood Education कहते हैं. बल्कि मैं ये कहूंगा कि 3 to 6 नहीं, बच्चा तो पहले दिन से ही सीखना शुरू कर देता है ना, तो 0 to 6 अगर कहे तो गलत नहीं होगा. तो 0 to 6 तक की जो एजुकेशन है वो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. दुनिया भर में मॉडर्न कंट्रीज हैं, तरक्की याफ्ता मालिक हैं, क्या ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है ECE का, क्या कहते हैं? आपने भी अगर रिसर्च की होगी, तहकीक की होगी. आजकल तो देखिए हमारे हाथ में जो ये मशीन है ना, ये पूरी दुनिया हमारे हाथ में, सिंगल क्लिक पे हमें हर चीज मिल जाएगी. तो मैं अगर आपसे पूछूं बीइंग अ टीचर, पहले 6 साल का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या होना चाहिए? रिसर्चर जो तहकीकदान है उन्होंने ये कहा है कि पहले 6 साल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वैसे तो वही है ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, शख्सियत साजी. अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ा ही टाइम है मेरे पास, 30 से 40 मिनट है. लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप स्पेशली जो टीचर्स हजरात हैं और टीचर्स की जो ECE की टीचर्स हैं, ये 30 मिनट जो है जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा ताकि मेरा यहाँ पे आना कामयाब हो जाए और आपका यहाँ पे बैठना कामयाब हो जाए और इस इदारे ने जो इतनी एफर्ट की है और आपको जो सिखाने के लिए वो भी कामयाब हो जाए. तो ये 30 मिनट जो है ये थोड़ा तवज्जो के साथ आपने ECE की जो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. पूरी दुनिया ये कहती है, खासकर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब शख्सियत साजी. आपको पता है कि इंसान की जो शख्सियत है वो पहले 6 साल में कितनी तय आ जाती है, कितनी बन जाती है? हैरान होंगे सुन के, 80 to 90% ह्यूमन पर्सनैलिटी हैज बीन डेवलप एट द एज ऑफ 6. यानी पहले 6 साल में 90% जो शख्सियत है वो बन जाती है. इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो सीखने सिखाने की एज है वो है ही पहले 6 साल. आपको जो कलर पसंद है, जो खाना पसंद है, जो जो आदत आपने अपनानी थी, पहले 6 साल में तय हो जाती है. हमारी पहले 6 साल में तय हो जाती है. तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो सीखने की एज है वो है ही पहले 6 साल. और माजरत के साथ हमारे यहाँ ये रिवाज है कि 5 साल तक तो बच्चे को घर में बिठा के रखते हैं. माजरत के साथ बाद में समझते हैं कि बच्चे अभी बड़ा नहीं है ना, अभी बोलना सीखेगा, उसके बाद बच्चे को स्कूल में किसी इदारे में दाखिल करवाएंगे. अभी तो बच्चा छोटा है. सबसे ज्यादा सीखने की एज है
अगर आप लेट एडमिशन करवा रहे हैं तो इसका मतलब है जाया कर रहे हैं आप बच्चे के लिए, वो वक्त जाया कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा सीखने का वक्त है। तो हमने शख्सियत बनानी है बच्चे की। अब सवाल ये पैदा होता है कि शख्सियत से क्या मुराद है, ये भी बड़ा मतलब भारी लगता है ना शख्सियत। हमारे जहन में क्या ख्याल आता है, किसकी शख्सियत है किसकी शख्सियत नहीं है, किसकी अच्छी है किसकी अच्छी नहीं है। अगर हम शख्सियत बनाना चाहते हैं तो किस तरह बना सकते हैं, क्या उसका तरीका है, क्या क्राइटेरिया, दुनिया भर में क्या इसपे काम किया है, मॉडर्न कंट्रीज इस पर क्या काम कर रही है, उनकी जो ECE है जो उनका एरिया है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का उसमें ऐसा क्या हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन करना चाहूंगा ECE को, और सॉरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, शख्सियत साथी को। इसमें देखें दो चीजें आती हैं, शख्सियत साथी में दो चीजें आती है, दोनों बड़ी अहम है। पहली है कैरेक्टर बिल्डिंग और दूसरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहली है कैरेक्टर बिल्डिंग। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं यहां पर आया तो जो सर यहाँ पे बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कैरेक्टर बिल्डिंग की, कि बच्चे में ये औसाफ आने चाहिए, बच्चे को हमने ये सिखाना है, ठीक है। कैरेक्टर बिल्डिंग, चलिए इसी पे हम बात करते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग है क्या, किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हमने शख्सियत बनानी है और वो भी कितनी 90% तक। कैरेक्टर बिल्डिंग में जितनी भी जो एथिक्स की चीजें आ जाती हैं, मैनर्स हैं, अदब आदाब एटिकेट्स बिहेवियर, ये सारी चीजें जो है, ये सारे एरियाज जो है ये कैरेक्टर बिल्डिंग में आते हैं। अच्छा माजद के साथ मैं पहले माजद कर लेता हूं, ताकि माजद के साथ हम इसमें वीक हैं, हम ये चीजें नहीं दे सकते अभी तक, क्योंकि जहर ये चीजें जो है कि 6 साल तक हमने बच्चे को दे दिए, बच्चे की आदत जो है में वो चीजें आनी चाहिए, ठीक है। वक्त की पाबंदी है, झूठ सच है, नेकी बदी है, इस तरह की बहुत सी चीजें ये हमने बच्चों को दे दी है, कैरेक्टर बिल्डिंग है। अच्छा हम बात कर रहे हैं शख्सियत साजी की। मैं ये कहता हूं कि शख्सियत में से अगर हम इस्लामिक मैनर्स निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा, मुझे बताएं बाकी क्या बचेगा। तो जो इस्लामिक मैनर्स हैं ये बड़ी मतलब जिसे कहते हैं कि अहम कोर एरिया है शख्सियत का, जिनमें वो इस्लामिक मैनर्स नजर आते हैं हमें लगता है कि नहीं यार ये शख्सियत इनकी बड़ी अच्छी है। और अगर हम चाहते हैं कि इंसान की शख्सियत में ये चीजें ये मैनर्स नजर आने चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पहले 6 साल तक हमें वो मैनर्स जो है वो बच्चों को देने हैं, ताकि सारी जिंदगी बच्चा उसको साथ रखे। अगर पहले 6 साल तक हम वो मैनर्स और सामूहिक मैनर्स बच्चों को नहीं दे सके तो याद रखिए मैट्रिक कर लेगा, बच्चे में वो मैनर्स नजर नहीं आएंगे। और हमारे जो वालदैन स्पेशली जो मासूम से, मैं मासूम कहता हूँ वालदैन को, कि मासूम से जो वालदैन है वो नहीं जानते कि इस्लामिक मैनर्स देने की एज क्या है, वो मैनर्स देने की कोशिश करते हैं मैट्रिक के बाद, शाबाश बेटा मैट्रिक कर लिया ना आपने, बड़ी अच्छी पोजीशन आ गई, अब आपने 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है, अब आपने ये करना है, अब आपने वो करना है। भाई कोई फायदा नहीं है उस वक्त वो चीजें देने का बच्चों, नमाज की पाबंदी सिखानी है पहले 6 साल के अंदर सिखानी है, तब तो बच्चा सारी जिंदगी याद रखेगा। और अगर वो एज निकल गई बड़ी मेहनत होगी, बड़ी मुश्किल होगी बच्चे को सिखाने के लिए। तो शख्सियत साजी में पहला जो एरिया है वो है कैरेक्टर बिल्डिंग। अच्छा दूसरा एरिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको आप नेट पर भी सर्च कीजिएगा पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ब्रेन, जिसे कहते हैं ना कि ब्रेन डेवलपमेंट यानी जहन साजी, तो भी जहन साजी। अच्छा शख्सियत इन दोनों चीजों पे खड़ी हुई है, ये दो एरिया है ECE के, दोनों बड़े अहम एरिया है, एक है कैरेक्टर बिल्डिंग और दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब जहन साजी। अच्छा जहन साजी जो है उसमें मेन एरिया कौन सा आ जाता है, हमने अगर जहन साजी करनी है तो किस पे हमें तवज्जो देनी होगी, किस तरह से हमें तवज्जो देनी होगी कि हमारा बच्चा जो है वो जहीन बने। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो रोल है
सबसे बड़ा जो रोल है वो है लैंग्वेज का, जबान। आपने देखा होगा कि घर में, एक ही घर में तीन चार बच्चे हैं, तो जो बच्चा ज्यादा बोल रहा होता है ये जल्दी बोलना शुरू कर देता है। मां कहती है ये बच्चा मेरा बड़ा जहीन है। क्यों? मां ने क्या देखा? मां ने उसके अल्फाज देखे ना कि वो बच्चा जो है वो बोल रहा है। क्लास में भी आपने देखा होगा कि टीचर उसी को मॉनिटर बनाती है जो ज्यादा बोल रहा होता है, जो ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज का बड़ा अहम किरदार, और लैंग्वेज जबान शख्सियत बनाती है। अब छोटी सी मिसाल कि बाहर से एक साहब आती है, वो वेल ड्रेस नहीं भी है, लेकिन यहां आके बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, चाहे उर्दू में चाहे वो इंग्लिश में, तो हमें लगता है यार ये तो शख्सियत तो बड़ी अच्छी है। और एक साहब जो वेल सूटेड बोटेड है, टाई शाई लगाई हुई है, कोट शोट चेक पीस पहना हुआ है, और आके बड़ी रफ सी गुफ्तगू करते हैं, तो हमें लगता है यार ये तो शख्सियत ही नहीं है इसकी। इसका मतलब है कि शख्सियत में, पर्सनैलिटी में लैंग्वेज का बड़ा रोल है। पूरी दुनिया ये मानती है, पूरी दुनिया ये कहती है कि ईसीई में बच्चों को जबान सिखाएं, लैंग्वेजेस सिखाएं। जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं आप लैंग्वेजेस सिखाएं। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे लिए ना बड़ा मसला है, पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है। पाकिस्तान के बच्चे को घर में तो पंजाबी सिखाई पर तो सीखनी पड़ती है, जब बच्चे जो है वो स्कूल में जाते हैं तो उर्दू सीखनी पड़ती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीखनी पड़ती है, ऑफिस में भी इंग्लिश, और साथ साथ अरबी भी चल रही है। तो ये तो भाई चार चार पांच पांच जबानें जो है बच्चे को सीखनी पड़ती है, बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए गोरे जो है वो कामयाब है। मैं ये कहता हूं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें गिफ्ट है कि हमारे पास लैंग्वेजेस की वैरायटी मौजूद है, हमारे पास लैंग्वेजेस की वैरायटी मौजूद है। गोरों के पास ये वैरायटी नहीं है, गोरों के पास मुश्किल से एक या दो जबानें हैं, लेकिन वो ही अपने बच्चों को अच्छे अंदाज से सिखा देते हैं, इसीलिए वो कामयाब है। हमारे पास लैंग्वेजेस की वैरायटी मौजूद है, लेकिन हम फिर भी बच्चों को वो जबानें अच्छे तरीके से नहीं सिखा सकते। तो जिस बच्चे के पास जितनी ज्यादा जबानें होंगी वो बच्चा उतना ही जहीन होगा, उतने ही अल्फाजों में वो अपना इजहार ख्याल कर सकता है। तो लैंग्वेजेस की तो वैरायटी है हमारे पास, मसला ये है कि हमने देखना है कि लैंग्वेज सिखाई किस तरह से जाए, गोरे कैसे सिखाते हैं। गोरे छोड़ दें, हम अपने घर में अपनी घर की जबान कैसे सीखते हैं ये देख लें आप। मुझे ये बताएं, ये जैसे अभी मैडम आई थी ना जिन्होंने बात की थी लैंग्वेज पे, वो 10 मिनट में 10 लाख यानी जिसे कहते हैं कि अहम बात जो है वो कहते हैं ना कि एक एक लाख की बात, वो एक एक लाख की बात करके नहीं है। हम इस तरह की बातें जो है उसको सुन के और इग्नोर कर देते हैं। भाई ये बड़ी अहम बातें हैं, लैंग्वेज को सिखाने का जो तरीका है हमें उसको देखना है। और मैंने ये देखा है कि जो लोग इसको समझ जाते हैं वो बड़ी जल्दी कामयाब हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड लास्ट सम 20 इयर्स। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम कराची, देन आई केम बैक टू पंजाब। तो पिछले 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मैंने ट्रेनिंग्स कराई, बड़े से बड़े सेटअप में और छोटे से छोटे सेटअप में। मैं जानता हूँ पाक दुख में क्या होता है, वीगन हाउस में क्या होता है, एफ में क्या होता है, मुझे सब पता है। कंसल्टेंसी सारी चीजें गवर्नमेंट के इदारे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के, नेवी के, इन सब पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी करवाई। तो जो लोग इस चीज को समझ जाते हैं ना कि लैंग्वेज कैसे हमने बच्चों को देनी है, वो बड़े अच्छे अंदाज से कामयाब होते हैं और रिजल्ट वगैरह लेना शुरू कर देते हैं बच्चे उनके। लेकिन जो लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते वहां पर मसला होता है। तो बात यह है कि हमने देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम टीचर हैं ईसीई की, तो हमने देखना है कि भाई हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर पर्सनैलिटी की जिम्मेदारी है। बड़ी क्लासेज जो है उनके ऊपर कम हो जाती है ना जिम्मेदारी, वो फिर सब्जेक्ट की जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन अगर तो आप ये जो प्री क्लासेस के टीचर्स हैं तो आपके ऊपर तो बड़ी भारी जिम्मेदारी, शख्सियत साजी है, करेक्टर बिल्डिंग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में फिर लैंग्वेज आ जाती है,
जबान साथी आ जाती है जो हमने करनी है, हमने सिखानी है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि लैंग्वेज तो सिखानी है, हमें तो पता चल गया जाहिर है कि इम्पोर्टेंस है इसकी, लेकिन कैसे? ये हमें पता चल गया है कि व्हाट टू टीच, लेकिन ये हमें देखना है हाउ टू टीच, कैसे कैसे होगा। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल करनी है। ये टेक्निक्स जो है वैसे तो देखिए प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग में ही हम बाकायदा टूल्स यूज करके दिखाते हैं, लेकिन अभी बहरहाल मुख्तसर सा जितना टाइम है हमारे पास, मैं वो टेक्निक्स जो है वो आपके सामने रखूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लैंग्वेज सिखाने का बेहतरीन जो तरीका है वो क्या है। अच्छा, एक तरीका तो जो अभी मैडम आई थी ना लैंग्वेज का, उन्होंने बताया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। यानी फोनिक्स वन ऑफ द बेस्ट टूल है बच्चों को लैंग्वेज सिखाने का। मैं छोटी सी इंपॉर्टेंस जो है वो आपको बता दूं कि भाई पिछले 50 साल से ना ये प्रॉब्लम चल रही थी, बच्चों को लैंग्वेज नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले 20 साल में जब से ये फोनिक्स आई है ना पाकिस्तान में, आपने देखा होगा कि बच्चों का वो मसला लैंग्वेज सीखने में जो था वो इसने हल कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है फोनिक्स। लेकिन बच्चे जो है अगर हम डीपली देखें, स्पेशली जो नर्सरी और केजी की टीचर्स हैं वो जरा गौर से सुनिएगा, आपने देखा होगा लैंग्वेज सीखने में ना सबसे बड़ा मसला होता है वर्ड मेकिंग का। वर्ड मेकिंग जो है वो बच्चों को बड़ी मुश्किल होती है उसमें, क्योंकि लेटर जो है वो कुछ और शक्ल के होते हैं, जब वर्ड बनते हैं तो उनकी शक्ल कुछ और आ जाती है। लेटर जो होते हैं उनमें बाय नेम आ रहा होता है, लेकिन जब वर्ड आते हैं तो वर्ड में किसी का भी नाम नहीं आ रहा होता। ऐसी है आप कोई भी उर्दू का या इंग्लिश का लफ्ज उठा के देख लें, किसी भी लफ्ज में लेटर का नाम नहीं आ रहा। कोई भी वर्ड उठा के देख, इवन अपना नाम देख लें आप, वर्ड नेम नहीं आ रहा। हम शुरू में क्या सिखाते हैं, ए बी सी डी, आप कोई वर्ड बताएं जिसमें ए बी सी डी आ रहा है। नहीं, वर्ड में हमेशा साउंड आता है। ख ए च कैट, ब ए च बैट, र ए च रैट, स ए च सैट, व ए ज बैट, द ए ज डैट। एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। साउंड्स में हम करते हैं ब्लेंडिंग। अब एक साउंड है ए की, एक साउंड है टी की, छ ए छ एच एच। हमने बच्चे को स्टोरी के जरिए से बता दिया कि बेटा देखिए ये एट है, ये दोस्त बन गए, फ्रेंड बन गए, एट इनका नया नाम एट। इसके साथ जब भी कोई साउंड एड होगी वर्ड कंप्लीट होगा। एट एट, बी की साउंड है ब, ब एट दैट, एस की साउंड है स एट सैट, ख एट कैट, र एट रैट। अगले दिन आपने ब्रांड चेंज कर दिया, एक नया फ्रेंड आ गया, नया दोस्त आ गया, ज एट ज एट, ब एट बैट, स एट सैट, र एट मैट। एक पूरी लिस्ट जो है वो बच्चे के सामने खुल जाए। इसके बरक्स हम पुराने तरीके में क्या करवाते थे, स्पेलिंग पढ़ो बेटा, सी ए डी कैट आर ए टी रेड। बच्चा जो है बड़ी मायूसी में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, वर्ड में कुछ और आ रहा है और बताया कुछ और जा रहा है, तो बच्चा जो है वो कंफ्यूज है, डिस्टर्ब। अगर हम तरीके से बच्चों को लैंग्वेज सिखाए, तरीका मतलब अकॉर्डिंग टू नेचर, देखिए हमने इसमें तहकीक की तो यकीन करें पता चला कि ये जो मेथड है ये अकॉर्डिंग टू नेचर मेथड। आप बहुत से टीचर सवाल करते हैं कि सर ये क्या कह दिया आपने, ये तो अभी 20 साल पहले आया, फोनिक्स अकॉर्डिंग टू नेचर कैसे है। तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा देखें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, अल्लाह ताला ने ज़बानें बनाई हैं। अब मुझे बताएं कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो कोई भी जबान सीखने में सबसे पहला काम क्या करता है, सबसे पहला काम करता है लिसनिंग। ऐसे ही है, लिस्टिंग करता है, बच्चा सुनता है। अब घर में जो जबान बोली जाती है, चाहे पश्तू है, चाहे सराइकी है, पंजाबी है, उर्दू है, इंग्लिश है, ठीक है, अब बच्चा लिस्टिंग करता है।
एक साल डेढ़ साल दो साल तक बच्चा क्या करता है, लिसनिंग करता है। उसके बाद फिर बच्चा अगला काम करता है, स्पीकिंग। इसका मतलब है कि विदाउट लिसनिंग यू कैन नॉट स्पीक एनी वर्ड, चाहे वो किसी भी जबान का हो। इसकी एक जिंदा मिसाल कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे बहरे पैदा होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। हम उनको जो है वो गूंगा समझ रहे होते हैं, एक्चुअली वो गूंगे नहीं होते, वो बहरे होते हैं। अब नई टेक्निक आई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, डॉक्टर्स ने कहा नहीं जी ये गूंगे थोड़ी है, इन्होंने तो कभी सुना नहीं है इसलिए ये बोल नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, आला लगाते हैं। अब जब आला लगता है तो छह महीने साल के बाद वो जो गूंगे हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं, चूंकि उन्होंने कभी सुना नहीं होता। इसलिए इसका मतलब है कि ये फित्री अमल है, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है कि जबान सीखने में आपने पहले ये वाला काम करना है, लिसनिंग करना, उसके बाद फिर आपने बोलना है। अच्छा, बोलने के बाद फिर आपने पढ़ना है। अच्छा, याद रखिए देयर आर फोर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, जबान कोई भी है हमने चार काम करने होते हैं, ये चार स्किल्स हैं। देयर आर फोर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, फर्स्ट इज लिसनिंग, सेकेंड स्पीकिंग, थर्ड भाई बोले रीडिंग, एग्जैक्टली रीडिंग, फोर्थ राइटिंग, जिस पे हम सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, राइटिंग राइटिंग। हम तो खैर ना भी दें लेकिन हमारे मासूम से जो पेरेंट्स हैं बस वो कहते हैं कि और कुछ आए ना आए बच्चे को ये वाला काम आ जाए, राइटिंग आ जाए बच्चे। और राइटिंग इज द लास्ट स्किल ऑफ लैंग्वेज, सबसे आखिरी। सबसे पहली कौन सी है, सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये अकॉर्डिंग टू नेचर एक अमल है। हम जब इस दुनिया में आते हैं ना, हम क्या काम करते हैं, लिसनिंग करते हैं। अब पंजाबी जबान घर में बच्चा सीख कर आ गया, वालिदैन कहते हैं जी अब जो है ना वो हमने इसको नई जबान सिखानी, उर्दू भी सिखानी, इंग्लिश भी सिखानी है। तो अब स्कूल्स में क्या होता है कि बच्चों को पहले राइटिंग करवाई जाती है, नहीं खुद से ना भी करवाए, वालिदैन का प्रेशर होता है भाई एक हफ्ता हो गया इसको लिखा नहीं आ रहा क्या करवा रही हूँ। इसका मतलब है कि वालिदैन के जहन में ऑब्जेक्टिव है ना लैंग्वेज का, वो है राइटिंग। ये हमें बताने की जरूरत है कि राइटिंग सबसे आखिरी अमल है, सबसे आखिरी काम है। तीन साल का बच्चा अगर एडमिशन आ रहा है तो उसकी देखिए उंगलियां बड़ी नाजुक हैं, पेंसिल पकड़ना नहीं आती। हम उसको लिखवा रहे होते हैं कि फॉर्मेशन बनाए वो ए बी सी हरे पे पे नंबर्स, पेंसिल पकड़ना नहीं आती उसको। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पुराने वक्तों में जो पुराने लोग हैं ना उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई पुराने वक्तों में ऐसा क्या होता था कि उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती थी। स्पेशली मैंने ये देखा है कि पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो लोग हैं, जो उस्तादा हैं पुराने, उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती थी। अब हम सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं राइटिंग पे, तो अब जो है वो राइटिंग मैट्रिक कर लेता बच्चा लेकिन राइटिंग पे वो अच्छी होती नहीं। भाई ऐसा क्या काम होता था जो पहले होता था और आजकल के मॉडर्न दौर में वो नहीं हो रहा, वो काम वाकई नहीं होता था। पहली बार तो उस वक्त तरजीह राइटिंग नहीं थी, अगर होती भी थी तो प्री राइटिंग एक्टिविटीज उस दौर में होती थी, इस दौर में नहीं होती। अब सवाल है कि प्री राइटिंग एक्टिविटीज क्या है। उस वक्त तख्ती का इस्तेमाल होता था, कलम, देखिए इतना मोटा होता है कलम, वो जो काने का बना होता है, सबसे पहले उससे राइटिंग सिखाई जाती थी। और तख्ती बनाने में, उसको साफ करने में जो मसल्स बच्चे के एक्टिव होते थे ना, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लिखी है तख्ती, मतलब इस वक्त जो है मैं 45 प्लस हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उस वक्त अपने दौर में मैंने तख्ती लिखी है, मैंने सलेट लिखी है। सलेट में चौक देखिए इतना मोटा होता है, ग्रिप बन जाती है, इसे बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। इसको मॉन्टेसरी लैंग्वेज में, इसी लैंग्वेज में बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। अच्छी राइटिंग के लिए फाइन मोटर स्किल्स का डेवलप होना बहुत जरूरी है, याद रखिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी राइटिंग करे तो हमने राइटिंग नहीं सिखानी,
हमने फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करना है, राइटिंग देखिएगा खुद बहुत बच्चे की अच्छी हो जाएगी। असल चीज बेसिक ये है। अच्छा, पुराने वक्तों में क्या होता था कि प्री राइटिंग एक्टिविटीज होती थी, तख्ती का इस्तेमाल, स्लेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा, और फिर तख्ती में वो जो बोलते हैं जैसे गाची, वो जब हम लगाते थे और उसको फिर दोनों तख्तियों में धूप में सुखाते थे। ये एफर्ट हो रही है, ये काम हो रहा है, ये बच्चों के मसल्स एक्टिव हो रहे हैं। मॉडर्न दौर में इसे बोलते हैं EPL। अगर आप में से किसी ने मॉन्टेसरी कोर्स किया होगा तो उसको पता होगा कि EPL क्या है। EPL को टीचर जानता है EPL क्या है? जी, तालियां बजा दे। EPL stands for exercise of practical life। अब मैं आपको बताऊं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, मतलब आप ये समझ लें कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फीस लेने वाला स्कूल, समझ गए होंगे आप, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फीस लेने वाला स्कूल जो है, ठीक है, चाहे वो कराची है, चाहे लाहौर है, चाहे पिशावर है, चाहे इस्लामाबाद है, ठीक है, वो क्या करवाते हैं इस एज में? सबसे पहले वो EPL करवाते हैं। मैंने तो जाकर देखा है ना, बकायदा पूरा एक एरिया बना हुआ मॉन्टेसरी का, और वहां पे जो है वो बास्केट रखी हुई है और EPL की एक्टिविटीज। 6 महीने बच्चे को पेंसिल नहीं देते, बच्चा कोई राइटिंग काम नहीं करता 6 महीने, आप देखें, और 30-35 हजार महीने की फीस जा रही है 6 महीने तक कुछ नहीं। और हमारे वालदैन जो है वो अगर हम एक्टिविटीज करवाएं और कहें कि EPL हो रहा है तो वो सर को आ जाएंगे, भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है। और वही काम अगर वही EPL अगर बच्चा घर में भी करे तो वहां उसको रोक रहे होते हैं वालदैन, तो भाई नहीं ये नहीं करना, कटिंग नहीं करनी। बच्चा घर में कटिंग करता है ना तो रोक देते हैं, कैंची छीन लेते हैं, नहीं भाई ये बेडशीट खराब हो जाएगी, कटिंग नहीं करनी। वही बच्चा 30-35 हजार महीने की फीस देके उस इदारे में कटिंग कर रहा होता है। मैंने देखा आधा आधा घंटा बास्केट और वो रद्दी पेपर उसको देते हैं स्ट्रिप्स में और कहते हैं कटिंग करें, क्योंकि इट्स कटिंग टाइम। अब बच्चा EPL की एक्टिविटी कर रहा है, कटिंग कर रहा है, बीटिंग की एक्टिविटी है, तस्वीर बना रहा है। पुराने वक्तों में हमारी दादी अम्मा नानी अम्मा के काम करती थी ना, तस्वीर बनाती थी बड़ी बड़ी, तो वो काम बच्चों से। अच्छा सवाल है क्यों? क्योंकि देखिए जब बच्चा तस्वीर बना रहा है ना तो क्या हो रहा है, उसके मसल्स एक्टिव हो रहे हैं, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है। जब बच्चा कटिंग कर रहा है तो उसके मसल्स एक्टिव हो रहे हैं, जब बच्चा कोरिंग की एक्टिविटी कर रहा है, जब बच्चा स्पंजिंग की एक्टिविटी कर रहा है, जब बच्चा बीटिंग की एक्टिविटी कर रहा है, तो क्या है कि वो मसल उसके एक्टिव हो रहे हैं। दूसरा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो वन ऑफ द बेस्ट स्किल है जो बच्चों को मिलनी चाहिए। हमारा ये टीचर जानती होगी, छोटे बच्चे जो है उनका सबसे बड़ा मसला यही है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, बैठ के सुनते नहीं है, उनके लेवल नहीं है ना कॉन्सेंट्रेशन का, तो वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल डेवलप करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एरिया है EPL का, एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। जब ये एक्टिविटीज बच्चों को पूरे माहौल के साथ, मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चे को कैंची दे दें और बेडशीट कह दें कि चले जी नुकसान करें, नहीं ऐसा नहीं, माहौल देना है बाकायदा हमने बच्चे को, पूरा एक माहौल, बास्केट लें छोटी सी और सीजर लें, चाइना की सीजर 25-30 रुपए में मिल जाती है जो आगे से राउंड होती है, नुकसान नहीं पहुंचाती बच्चे को। आप वो बच्चे को वैसे भी तो देखे ना बच्चे कौन सी चीजें ले रहे होते हैं, तो क्यों ना इस तरह की चीज भी हम बच्चों को लेके दें। और स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जैसे जो जो इदारा है ये दोनों चीजें साथ साथ लेके चल रहा है, बच्चों की तरबियत की, करेक्टर बिल्डिंग के साथ साथ, और फिर मॉडर्न एजुकेशन, दोनों चीजें साथ साथ लेके चल रहा है, तो बाकायदा एक शेल्फ जरूर रखें EPL की, जिसमें इस तरह का मटीरियल जो है वो मौजूद हो, और कुछ टाइम, यानी कुछ टाइम, कोई एक पीरियड फोकस कर दें, अगर दिन में एक नहीं हो सकता तो हफ्ते में कोई एक दिन रख लें, कोई फ्राइडे रख लें, जुमे रख लें, जुमे का दिन रख लें, जिसमें इस तरह की एक्टिविटीज, कोई आर्ट का इस्तेमाल हो जाए, आर्ट एंड क्राफ्ट हो जाए, कोई EPL का काम हो जाए, बच्चे चीजें खुद से बनाना सीखें और उसके बाद फिर घर लेके जाए तो उनको पता लगे वाह जी वाह ये तो जबरदस्त है। बच्चों में देखिए जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो इस तरह इसी तरह की चीजों से, इसी तरह की एक्टिविटीज से आता है, और फिर जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है चीजें बना के, तो वो देखने वाला होता है। एक छोटी बेटी है वो हर जुमे को कुछ ना कुछ नई चीज लेना, तो कोल ले आई, कोई फिश नहीं बना के, और फिर जो उसने सारी रात जो है वो सर खपाना होता है ना,
पापा देखे मुझे आता बनाना, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, मैं ये मैं वो, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो देखने वाला होता है। और दूसरी बात, जो क्रिएटिविटी बच्चों में आती है ना, वो आती ही इसी तरह की चीजों से बनाने में, नई नई क्रिएटिविटी। अच्छा, हम एक चीज बनाना सिखाते हैं, घर में जाके उसी तरह उसी से रिलेटेड बच्चा दो तीन नई चीजें, इससे ये भी बन जाता है, इस तरह से ये भी बन जाता है। तो ये क्रिएटिविटी है जो बच्चों में। तो बात ये हो रही थी लैंग्वेज की, बात लैंग्वेज की हो रही थी, जो कि अहम किरदार अदा करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अच्छा, अब लैंग्वेज सिखाने के टूल्स टेक्निक्स हैं जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, एक जो है मैंने अभी आपको बताया कि फोनिक्स का इस्तेमाल बढ़ा देना, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। उर्दू में बोलते हैं सौती तरीका। आपको पता है उर्दू ज्यादा फोनेटिक लैंग्वेज है पूरी दुनिया में, सबसे जिसे कहते हैं कि एक जबान जो है वो 100% फोनेटिक है, और वो जबान है हमारी अरबी जबान। रिसर्च के बाद, तहकीक के बाद पता चला कि अरबी जबान 100% सौतियात में मबनी है। इसीलिए क्या करते हैं कि जब छोटा बच्चा कारी साहब उसको या घर में जब उसको कुरान पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो नूरानी कायदा उसमें क्या होता है, उसमें साउंड्स होते हैं। जब बच्चा जो बच्चा साउंड्स पहले पढ़ लेता है उसके लिए आगे वर्ड बनाना आसान होता है, लेकिन जो बच्चे जो पुराना कायदा था जैसे कुरान, वो जब नेम से पढ़ते थे तो वर्ड पे आना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब नूरानी कायदा आया इसने आसानी दी, बच्चे बड़े जल्दी जो है वो कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हम आ जाते हैं उर्दू पे, 90% फोनेटिक लैंग्वेज है उर्दू। लेकिन हम, मैंने अभी भी बहुत से स्कूल ऐसे देखे हैं जहां पे उसी तरह रिवायती तरीके से बच्चों को उर्दू पढ़ाई जा रही है, अरे पे 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 पे। भाई आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना फोनिक्स, तो उर्दू भी पढ़ाए ना। इंग्लिश तो जस्ट 40% फोनिक्स है, 60% नॉन फोनेटिक है, लेकिन हमारी उर्दू जबान ये तो भाई 90% फोनिक्स। आप बच्चों को साउंड सिखाएं, ब प त ट, बच्चा बड़ी जल्दी वो जंप जो है वो मारेगा। चार वॉवल्स हैं, अलिफ की आवाज है आ, वाव की आवाज है ओ, ब आ, बा, ज आ, जा, बाजा। कोई हिज्जे करने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेलिंग याद या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, एक्टिविटीज के जरिए से बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं। ओके जी, इसी तरह एक और वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है बच्चों को लैंग्वेज सिखाने की, और सबसे ज्यादा इस पे काम कर रही गोरी, सबसे ज्यादा इस पे काम कर रही। आप नेट यूजर हैं तो आप देख सकते हैं, डेली मोशन, यूट्यूब, इस पे भरा पड़ा है। इस टेक्निक को अगर आपने अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल किया, बच्चों को पढ़ाने में अपने क्लासरूम में यूज किया, तो देखिएगा कितनी जल्दी जो है वो तब्दीली आएगी। और वो स्ट्रेटेजी है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है बच्चों को लैंग्वेज सिखाने की, और ये वो वाहिद टेक्निक है जो बच्चों को चारों स्किल्स देती है, लिसनिंग भी देती है, स्पीकिंग भी देती है, रीडिंग भी सिखाती है, राइटिंग भी सिखाती है बच्चे। अब सवाल ये पैदा होता है कि राइटिंग कैसे सिखाती है बच्चे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ECE पहले छह साल के बच्चे का टारगेट क्या है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि टीचर ने टारगेट है वो लाजमी सेट करना है। ये अभी जो मैडम आई थी उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात बताई कि जब बगैर मकसद के हम कोई काम करते हैं ना, तो ना तो वो काम मुकम्मल होता है और ना हमें तस्कीन मिलती है, क्लियर मिलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो मकसद हासिल हो, तो मकसद तय होना जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई प्रेप क्लास का मकसद क्या है, तो मुझे क्या बताएंगे प्रेप की टीचर, बताएंगे कि क्लास वन में जाने से पहले ऐसा क्या क्या आना चाहिए बच्चे को कि हमें लगे कि नहीं भाई ये मकसद तो हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमारी प्री प्राइमरी मुकम्मल है, ECE का एरिया हमने बेहतरीन कर दिया। वो मकसद क्या है, आप अगर मुझसे पूछते हैं ना वो मकसद, तो मैं एक सिंगल लाइन में आपको बताऊंगा। वो मकसद है The end of sixth age, the end of prep class, the end of KG class,
child should be able to write 5 to 6 sentences independently with the help of creative writing. This is the target. ये मकसद हमने हासिल करना है। इस मकसद के साथ हमने बच्चे को क्लास 1 में भेजना है, खुद से लिखने के काबिल बनाना है। वो माजरत के साथ वो रटे रटाए जुमले जो है वो नहीं चाहिए, वो टारगेट नहीं है, वो मकसद नहीं है, उससे जहन साजी नहीं होगी। असल मकसद है खुद से लिखने के काबिल बच्चे को बनाना। कि टीचर कहे कि जी माइक है, ओके क्लास नाउ वी आर गोइंग टू राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट दिस माइक, बच्चे 5 जुमले लिखें। आज का टारगेट है कि आज की जो ये ट्रेनिंग है जो कंजुल ईमान ने रखी है, आज का जो इवेंट है, इस इवेंट पे हमने 5 जुमले लिखने चैलेंज लिखें। अब बच्चा 5 जुमले लिखेगा, उर्दू है तो उर्दू में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, अपने अल्फाज में। ये है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव मतलब टू क्रिएट समथिंग खुद से, वो नहीं कि जी माय नेम इज अली, माय फादर नेम इज डैश और माय फादर इज अ डॉक्टर, ना, वो नहीं। अपने बारे में भाई खुद से लिखना है बच्चे, ये सर का। अच्छा जी, बात हो रही है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, 5 मिनट है फिर। और आखिरी जो स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको बता दी है, और वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग की स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है कि हर चीज को स्टोरी के अंदाज से ढालना, हर चीज को, आपका जो भी लेक्चर है। अच्छा, ये स्टोरी टेलिंग जो है ये बड़ी क्लासेस में भी आती है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब आप अगर नेट पे देखें तो बाकायदा चैनल्स हैं, 24 आवर्स स्टोरी टेलिंग होती है उसमें, गुरु के चैनल, यानी उससे आप इम्पोर्टेंस इसकी समझ लें। कि तो स्टोरी टेलिंग जो है, उर्दू में कहते हैं किस्सा गोई, तो स्टोरी टेलिंग जो है ये हमने अपने हर लेक्चर में इस्तेमाल कर दी। बच्चे बड़े शौक से ना सिर्फ आपका लेक्चर सुनेंगे, बल्कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं है घर से याद करके आना कॉन्टेस्ट है, आपको जरूरत नहीं है कहने, क्योंकि कहानी हर बच्चा शौक से सुनता है। हर बच्चा, बच्चा तो बच्चा पढ़े भी। मैं अगर अभी आपसे कहूँ ना कि मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ, तो भाई आप भी कहेंगे जी 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 सुनाइए। तो ये इंसान की फितरत में है कहानी। और हमारे पास देखें, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वफर मिकदार में किस्से कहानियां मौजूद हैं बच्चों की तरबियत के लिए। जो अंबिया के किस्से हैं, कहानियां हैं, कि मुख्तलिफ पब्लिशर्स ने किताबें बनाई हुई हैं। अच्छा, हर लेवल पे बनाई हुई है, बच्चों के लेवल पे भी है और बड़ों के लेवल पे भी। तो भाई हम उनसे रहनुमाई ले सकते हैं, हम वो किस्से को कहानी याद करके क्लास में बच्चों को बता सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो भी लेक्चर है हमारा, हम उसको भी कहानी के अंदाज में ढाल सकते हैं, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं यार जो टीचर कह रही है बड़ा जबरदस्त। कुछ बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनकी अट्रैक्शन देने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब अगर हमारा लेक्चर रिवायती होगा ना, तो यकीन करें छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो है उनको अपने मूड की फिक्र होती है, टीचर के मूड की फिक्र नहीं होती। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बड़ी क्लास की टीचर जो है वो तो क्लास को कंट्रोल कर लेती है। मैंने ऐसी टीचर्स भी देखी है कि अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से वो क्लास को कंट्रोल कर रही होती है। अब जैसे एक्सप्रेशन टीचर का चेंज हुआ, बच्चे कहते हैं भाई अब तो गुस्से में आ गई है टीचर, भाई अब तो टीचर का मूड खराब है, ये बात नहीं कर रही। क्लास मैनेज हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, बच्चे सुन लेते हैं, तवज्जो मिल जाती है। लेकिन छोटे बच्चे, ई सी ई के बच्चे, उनको कोई फिक्र नहीं है टीचर के चेहरे की, टीचर के एक्सप्रेशन की, टीचर के मूड की। उनको फिक्र है तो अपनी, अपने मूड की। आज मुझे पॉकेट मनी ठीक नहीं मिली, आज मेरा लंच ठीक नहीं था, आज बड़े भाई को जल्दी उठा दिया, आज मुझे पापा के साथ आना था, रिक्शे में भेज दिया। रोज उनके कोई ना कोई छोटे बच्चों के मसले होते हैं, हमने उन मसाइल के साथ बच्चों को पढ़ाना है। और उसका सबसे बेहतरीन हल स्टोरी टेलिंग। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताती हूँ, मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ, मैं आपको लेटर ए की स्टोरी सुनाती हूँ, मैं आपको जीन की कहानी सुनाती हूँ, मैं आपको 2+2 की कहानी सुनाती हूँ। आपको पता है 2+2 = 4 कैसे बने? आज मैं आपको सुनाती हूँ इसके साथ क्या होगा। अब ये देखिए, छोटी सी कुछ चीजें हैं,
मतलब जो भी उसको आपने कहानी के अंदाज में डाल दिया तो बच्चों की कंसंट्रेशन ले लिया, बच्चे बड़े मजे से, और कहानी बच्चे भूलते नहीं है, हमेशा याद रखते हैं। जब टर्म आएगी ना, एग्जाम आएगा, आपको याद करवाने की रटा लगाने की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद ब खुद स्टोरी बैठ जाती है उनके जहन में, बच्चे कभी नहीं भूलते। ओके जी, टाइम बहुत कम था और इस टाइम में कोशिश की है कुछ चीजें जो है उसको मैनेज करने की, और बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत कम इदारे ऐसे होते हैं कि जो मतलब बैलेंस होते हैं। मैंने आपको बताया कि अलहमदुल्ला 20 साल का एक्सपीरियंस है कराची से कश्मीर तक ट्रेनिंग और कंसल्टेंस मैंने करवाई है, लेकिन क्या होता है कि कुछ इस तरफ है तो यही एरिया उनका जो है ना वो बेहतरीन है, दूसरा एरिया वीक है, और कुछ इस तरफ है तो ये एरिया उनका रिच है तो दूसरा एरिया जो है वो उनका वीक है। तो बहुत कम इदारे ऐसे हैं जो कि बैलेंस करते हैं, और ये बैलेंस जो है जो मुझे भारत में यहाँ पे नजर आया। आते साथ ही मैंने देखा सर कैरेक्टर बिल्डिंग की बात कर रहे थे, बच्चों में क्या क्या औसाफ आने चाहिए इसकी बातें हो रही थी, यानी तरबियत की पहले बात हो रही थी, उसके बाद फिर एजुकेशन की बात की, मैम आई उन्होंने बताया कि भाई ये तरीका लैंग्वेज ये चीजें, तो बहरहाल इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। اللهم صل على سيدنا ومولانا